नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमने नया रेसिपी लाए। आप लोगों को पता होगा हम थोड़ा नया नया रेसिपी लाते हैं। आज थोड़ा हम नया लेके आए हैं। आज हमने लेके आए हैं फ्रॉन। आज हम बनाएंगे गांव के जैसा, मतलब विलेज में कैसे चटनी बनाते हैं, आज हम बनाएंगे विलेज का चटनी। आए दोस्तों, ये विलेज में बहुत फेमस है। आप लोगों का पता होगा या नहीं होगा मैं बता नहीं सकती, मैं वाकिफ हूँ, मुझे पता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये रेसिपी। गांव में बहुत सारे लोग ऐसे चटनी खाते हैं, मैं देखी हूँ, इसलिए मैं आपके साथ ये चटनी शेयर कर रही हूँ। आइए दोस्तों, आज हम बनाते हैं ये चटनी। हम ग्राइंडर से आज नहीं बनाएंगे, हम ट्रेन इंस्ट्रूमेंट लाए हैं उसी में आज हम बनाएंगे। आइए हम बनाते हैं। आज हम बनाएंगे फ्रन का चटनी। आप लोगों का पता होगा या नहीं होगा मैं बता नहीं सकती, लेकिन आज हम बनाएंगे फ्रन का चटनी। गांव में कैसे बनाते हैं उसी तरह आज हम बनाएंगे फ्रन का चटनी। वो भी बहुत टेस्टी है, आप भी बनाइए और टेस्ट कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। जाते जाते एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू रेसिपी जानने के लिए। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर फ्रॉन लिए हैं, ऑयल में फ्राई किया गया फ्रॉन लिए हैं और ये कटा हुआ प्याज है। आज हम इसी से चटनी बनाएंगे, फ्रॉन का चटनी। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा हमाम दस्ता, इसी में हमें चटनी बनाना है। फ्रॉन और प्याज और आपके हिसाब से मिर्ची डालकर चटनी बना सकते हैं। देखिए हमारा चटनी बन गया है। अब इसमें हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से डालिए। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। हम यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून जीरे पाउडर डाल रहे हैं। अब मिर्ची डालेंगे, हमने यहाँ पर सूखी मिर्ची ले रहे हैं। सूखी मिर्ची को थोड़ा जला के लीजिए, इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आता है। आप चाहे तो हरी मिर्ची ले सकते हैं अपने हिसाब से। सूखी मिर्ची को थोड़ा निचोड़ लेते हैं, इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आता है, हम इसलिए सूखी मिर्ची यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा मसाला हो गया, अब इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमारा चटनी बन गया है, कितना सुंदर बना है और टेस्टी। आप इसी तरह बनाइए और टेस्ट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आप कहीं नहीं खाए होंगे इतना अच्छा टेस्टी फ्रॉन चटनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। जाते जाते एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।